हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक टेस्टिंग के बारे में, जो कि मैंने पहले भी वीडियो डाला है। तो मैं आपकी डिमांड पे वीडियो के कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ, आप ये जरूर देखें। तो ये मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर की चेकिंग बता रहा हूँ, जो कि मैंने पहले भी बताई है। ये इसका नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक की नेगेटिव पॉजिटिव प्रॉड होती है, क्योंकि अब प्रॉडरी होती है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो हम इसको चेक करेंगे, तो ये अब इसको पहले हम चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर को, ये नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो ये मैं आपको ये एनालॉग मीटर से चेक करा रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा बैग आ रहा है। ये अगर आपका थोड़ा लूज कनेक्शन रहेगा, ये आपको बैग नहीं आएगा प्रॉपरली। ये देखो, अब ये बैग आ रही है ऐसा ऐसा। ये 1000 U का कैपेसिटर है, तो ये ऐसा 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 बैग आएगा इसमें, क्योंकि वोल्टेज होती है 3 वोल्ट एनालॉग मीटर में, वो इसमें दी गई है। डिजिटल मीटर में अगर कोई आप लोग करते हो, तो मैंने उसमें पहले वीडियो डाला हुआ है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। ये जैसे यहाँ आके खत्म हो रुक गया है, अगर ये सुई बैक आ जाए, तो आपका ये जो कैपेसिटर जो है, आपका कंडेंसर या कैपेसिटर वन एंड सेम थिंग होता है, ये आपका लीक की है। पर ये आपका ये ठीक है, ये तो ये अब ये इसके बाद यहाँ पे ये चार्ज हुआ, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो क्योंकि अगर डिस्चार्ज नहीं हो रहा, तो आप इसको थोड़ा आपस में जोड़ेंगे, ये डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से उल्टा लगाएंगे, तो ये बैग आ रहा है। ये तो इस तरह से ये आपका बैग आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पहले बताया, ये इसके बाद मैं आपको ये बैग आ रहा है, इसके बाद फिर आपका ये ओके की टेस्टिंग होगी। तो उसके बाद फिर आपकी है, मैं आपको ओपन की दिखा देता हूँ। ओपन की जो है, ओपन में ये नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। ये इसकी जो नीडल बिल्कुल चल नहीं रही, तो ये कैपेसिटर जो है बिल्कुल ओपन है, और ये आपका यहाँ से डैमेज भी हुआ हुआ है, वो रीड हो गए, यानी कि यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से यानी कि गर्म होने के बाद ये फट गया है, और ये बिल्कुल ओपन हो गया है ये कैपेसिटर। ये ओपन की टेस्टिंग है। उसके बाद फिर आपका है कि ये शॉर्ट की, अगर शॉर्ट कैपेसिटर तो आमतौर पे कम ही होते हैं, वैसे होते हैं तो फिर वो सुई जाके बैक नहीं आती, जैसे ही जा रहा है ये बैक नहीं आएगी सुई, तो ये शॉर्ट है। तो ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की तीन तरह की मेन तो ये चेकिंग ये होती है, और ये वैरी ये होती है कि सुई जाके अगर फुल आ रही है बैक, आगे बैक रिवर्स बैक मार जाए तो लीक ही है। तो ये तो रही बात, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें मैं अब लिंक दूंगा, आप देख सकते हैं। तो अब आपको मैं मेन जो टिप्स बताना चाहता हूँ, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के ऊपर जो दो मेन चीजें होती हैं, एक होती है इसकी वैल्यू, वैल्यू यानी कि कितने वैल्यू का कैपेसिटर है। जैसे ये 470 UF का है, इसको वैल्यू है, इसकी रेटिंग होगी, और ये होगी इसकी वोल्टेज। जहां पे भी हम कैपेसिटर लगा रहे हैं, तो वहां पे हमारे को इसकी जो रेटिंग देखनी पड़ती है कि कितने का है। जैसे अगर ये 470 UF का लगा हुआ है किसी सर्किट में, वहां पे अगर हम 1000 का लगाएंगे तो वो ठीक नहीं है, हमारे को उसी रेटिंग का लगाना चाहिए। वोल्टेज अगर 25 का है, तो हमारे को 25 की वोल्टेज का लगाना। 35 का अगर लगाना है, तो आप लगा लो, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको आपको चल जाएगा। पर आप कम का नहीं लगा सकते, कम का अगर लगाएंगे तो आपको ये सर्किट ये डैमेज करेगा। नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाने के बावजूद भी कैपेसिटर आपका फट सकता है, ये इसमें है। इसके अलावा आपने कोई सवाल पूछे तो पूछ सकते हैं। सर, सभी कैपेसिटरों की चेकिंग सेम होती है? नहीं, सबकी कैपेसिटर की वैल्यू सेम नहीं होती। तो उसमें क्या है, जैसे अब ये कैपेसिटर जो है आपका, ये आपका है 10 UF का है, सॉरी 100 UF का है। इसको अगर चेक कर रहे हैं, तो ये आपका नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव लगा रहे हैं। तो ये सुई थोड़ी सी चल रही है, ये चार्ज नहीं हुआ, उल्टी साइड से लगा रहे हैं, ये चार्ज हुआ और ये डिस्चार्ज हो गया, ये बैक आ गई। ये नीडल जो है बहुत फास्ट चलती है। हाँ तो जी, मैंने पहले सबसे पहले 1000 का चेक किया था, उसके बाद इसका ये चेक किया है, हाँ जी सर, ठीक है जी। अब ये आपको मैंने दोनों को आपको चेक करके दिखाया, ये जितने कम वैल्यू का होगा उतना ही जल्दी नीडल थोड़ी सी चलेगी और बैक आ जाएगी। जैसे 47 UF का ये है, तो 47 UF का है, ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये यस सही सर, बैक आ गई, यस सर, ठीक है। तो ये जो आपका कैपेसिटर, ये आपके डिफेक्टिव नहीं है। कम वोल्टेज के जितने वैल्यू के होंगे कैपेसिटर जो है, वो उनकी जो नीडल बड़ी फास्ट बैक आएगी, चार्ज भी बहुत जल्दी होगा और डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी होगा। यस सर, तो ये इसकी मेन विशेषता है। अब यस उसके सर, अलावा आपने कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर।
सर अगर 220 यूएफ की जगह हम 470 यूएफ का कंडेंसर लगा दे तो क्या होगा सर? ज्यादा का लगा दें तो कोई नुकसान नहीं है, 220 की जगह 470 का हम लगा सकते हैं सर्किट के डिमांड के ऊपर, अगर हमारे पास है नहीं कैपेसिटर तो, पर उसकी वोल्टेज सेम होनी चाहिए जितने हाँ जी वोल्टेज सर, का है। यस सर। हाँ जी सर कंडेंसर को हम 25 वोल्ट की जगह 35 वोल्ट का लगा दे तो क्या होगा सर? 25 वोल्ट की जगह 35 वोल्ट का लगा देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, पर हम कम का नहीं लगा सकते, कम का नहीं लगा सकते। यस अगर सर, वो 35 वोल्ट का लगा हुआ है, हम उसमें 25 वोल्ट का लगा रहे हैं तो वो कैपेसिटर हमने अगर सीधा भी लगाया तो कैपेसिटर फट सकता है। यस सर। हाँ जी सर कंडेंसर में इसका सेंटीग्रेड लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता सर? सेंटीग्रेड यानी कि ये होता है इसके हर के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ये कैपेसिटर है तो इस पे लिखा हुआ है पॉजिटिव 85 सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर यस सेंटीग्रेड, सर, सेंटीग्रेड होता है ना हमारा टेम्परेचर, यानी कि 85 सेंटीग्रेड तक ये लोड उठा सकता है, उसके बाद ये फट जाएगा यस अगर सर, इसके ज्यादा गर्म हो जाएगा तो। यस। उसके बाद ये आपका जैसे इसमें 101 का है, ये आपका 101 सेंटीग्रेड का है, 105 का, सॉरी ये 105 लिखा हुआ है ना, यस ये सर, 105 सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, तो 105 सेंटीग्रेड का ये आपका है यस कैपेसिटर, सर, तो ये इसमें क्या कि 150 सेंटीग्रेड तक ये लोड उठा सकता है। यस सर। हाँ जी सर कंडेंसर में अगर सुई वापस आकर अगर वापस फुल पे चली जाए तो क्या होगा सर? हाँ, तो अगर सुई बैग आकर फुल पे चली जाए तो कैपेसिटर उस पर वैरी है या आपका वो, इसको हम वैरी बोल सकते हैं या लीकी बोल सकते हैं, अगर बिल्कुल आपकी बिल्कुल यहाँ बैग आ गए और आपने लगा ही रखा और दोबारा बैग आ जाए तो आपका कैपेसिटर वैरी है यानी यस लीकी है सर, जिसको हम बोलते हैं, यस लीकी भी सर। बोलते हैं, डिफेक्टिव होगा वो भी। ओके सर। हाँ जी सर कंडेंसर ऑयल क्यों छोड़ता है सर? ऑयल इसमें छोड़ा हुआ है ये कैपेसिटर में, ये जो है यहाँ से फूला हुआ, ये यहाँ से यहाँ पे सूख गया, ये पुराना कैपेसिटर है तो यहाँ से ऑयल निकल आता है, कई बार कैपेसिटर फटता नहीं है तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से ऑयल निकल आता है, और ऑयल निकलने के बाद क्या होता है कि ये यहाँ से अगर आप उस टाइम देखेंगे तो यहाँ पे काई सी भी जम जाएगी, ऐसे जंग लगा हो तो ये कैपेसिटर आपका इसमें से ऑयल सारा निकल जाता है। तो कैपेसिटर उसमें ये भी होता है कि डिफेक्टिव कैपेसिटर होने के बावजूद भी कैपेसिटर चेकिंग में ठीक आता है, तो यस इस सर, करके कैपेसिटर को आपको बदल देना चाहिए। यस सर। हाँ जी सर कंडेंसर अगर सर्किट में ओपन हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है सर? सर्किट में अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक का काम है, मैंने पहले भी वीडियो में डाला हुआ है कि चार्ज और डिस्चार्ज करता है, तो अगर वो चार्ज और डिस्चार्ज अगर करना छोड़ देगा ओपन का मतलब कि कुछ भी नहीं, जैसे ब्रेक है ये वाला कैपेसिटर ये ओपन है, तो अगर ये मैं ब्रिज वे बना के आगे लगाऊंगा तो ये फिल्ट्रेशन ही नहीं करेगा, यस सर, फिल्ट्रेशन ही नहीं करेगा तो काम ही नहीं होगा, डीसी वोल्टेज बनेगी नहीं प्रॉपर इन, तो ये आपका सर्किट काम ही नहीं करेगा। यस सर। हाँ जी सर पहले कंडेंसर बड़े साइज में आते थे, अब छोटे साइज में आते हैं सेम वैल्यू के, उनमें क्या फर्क होता सर? आप ये जैसे यहाँ पे जैसे 2200 यूएफ है 25 वोल्ट का, ये एलईडी में लगा हुआ है, एलसीडी में लगा हुआ है, तो आप पहले कैपेसिटर इतने मोटे आते थे जैसे हमारे कलर टीवी में होते थे, ये 3300 यूएफ 420 वोल्ट का है, तो ये डीसी कैपेसिटर है, तो ये जो आज की डेट में जो कैपेसिटर आ रहे हैं वो जो है छोटी वैल्यू छोटी साइज में आ रहे हैं, पर इसकी जो वैल्यू सेम है, जैसे अब ये मॉडिफाई हो गए छोटा आ गया, जैसे ये है 220 यूएफ 470 यूएफ, और भी अगर अब ये इतने साइज के आ गए हैं तो ये तो डैमेज ये भी है, 2200 यूएफ 220 यूएफ 450 वोल्ट का है, ये छोटे यस आ सर, गए हैं, पहले मोटे आते थे अब छोटे आ गए हैं, अब इससे छोटे भी आ गए हैं, अब ये देखो 100 यूएफ 450 वोल्ट का है, तो ये जो कैपेसिटर है इसमें जो है वोल्टेज का बहुत ध्यान रखना होता है कि भाई जब भी हम बाजार से कोई चीज खरीदें कैपेसिटर तो यूएफ और वोल्टेज हमारी सेम रेटिंग की होनी चाहिए, यस सर, जैसे अब ये 100 यूएफ का है, आप 150 यूएफ का तो लगा सकते हैं, पर आप अगर कहो कि मैं यहाँ पे 47 यूएफ लगा लूं और 470 वोल्ट का है मेरे पास पड़ा मैं लगा लूं, वो काम नहीं करेगा। ओके सर। हाँ जी सर सर्किट में अगर हम कैपेसिटर को उल्टा लगा दे तो क्या होगा सर? कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव जहां में नेगेटिव है नेगेटिव से नेगेटिव लगाना, पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाना कार्ड में, अगर आपने उसको रिवर्स लगा दिया तो फट जाएगा आपका कैपेसिटर कुछ देर बाद। ओके सर। हाँ जी सर सर्किट में अगर कैपेसिटर सीधा लगा है फिर भी फूल आया तो क्या होगा सर? हाँ, उसमें ऐसे ही है जैसे अब ये जैसे कैपेसिटर है ये 420 वोल्ट का है, आपने यहाँ पे 100 वोल्ट का लगा दिया कैपेसिटर और आपने सीधा ही लगाया नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से यस पॉजिटिव, सर, तो भी आपका फट जाएगा,
क्योंकि आपने वोल्टेज अंडर की लगा दी, यस क्योंकि सर, मैंने आपको बताया कि इसकी रेटिंग और इसकी जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए यस जो सर, इसकी डिमांड है यस सर्किट सर, में। यस सर, अगर आपने कम का लगा देंगे तो आप सीधा भी लगाएंगे तो भी कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। यस सर। हाँ जी, इन इलेक्ट्रोलाइटिक के कैंसर की मैंने आपको ये टिप्स बताए हैं कि जो आपके सर्किट में जिसको ये थॉरली अगर आपको चेकिंग आती है, उसके अलावा भी आजकल SMT टेक्नोलॉजी के भी कैंसर आ गए हैं, उनकी अलग से चेकिंग हुआ है, उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई कमेंट है, आप मेरे को कमेंट्स में आप डाल सकते हैं अगर आपने कुछ चीज पूछनी है। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की टेस्टिंग के बारे में समझ आ गया होगा, और मैंने आपको जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने टिप्स है मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आप मेरे को ये वीडियो आपको पसंद आता है और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।